हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ ऐश्वर्या। तो प्रेगनेंसी जैसे ही कंसीव होती है वैसे ही आपको सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। कुछ सिम्टम्स इतने नोटिसेबल होते हैं कि आप जल्द से पहचान जाती हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। वहीं कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनको नोटिस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और वो वुमेन नहीं पहचान पाती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। उन्हीं में से एक सिम्टम्स, वैसे तो मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिससे कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को मैंने एक एक करके डिटेल में समझाया है, उसी में से एक जो आज मैं सिम्टम्स बताने वाली हूँ वो है आपके नाक में बदलाव होना। बहुत सारी महिलाओं को ये समझ में नहीं आता होगा कि क्या नाक में बदलाव आना एक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। आज इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। अगर आपने ओवुलेशन में ट्राई किया है, इस मंथ आपने कंसीव कर लिया है, प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी के हार्मोन्स बनते हैं आपके भी सिम्टम्स उभर उभर के दिखने शुरू हो जाते हैं। नाक में जो कि म्यूकस की एक परत होती है, और जब आपके प्रेगनेंसी हार्मोन्स के बनने के कारण उस म्यूकस परत में स्वेलिंग होती है तो फिर आपको कुछ कुछ इस तरीके से लक्षण महसूस होंगे। म्यूकस की परत में स्वेलिंग होना, ब्लड सर्कुलेशन का बढ़ना, इन सब कारणों से आपके नोज़ में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। बार बार छींकने का मन करेगा आपको, बार बार छींक भी आएगी, नाक बंद जैसा महसूस होगा। अगर आप बाहर निकलती हैं और धूल में या फिर ठंड में आपको एलर्जी की प्रॉब्लम बार बार होती है, ऐसा लग रहा है कि एलर्जी की प्रॉब्लम बढ़ गई है, बार बार एलर्जी के कारण आपको छींक भी आ रहा है, आपके नाकों से पानी भी निकल रहा है, आपके नाकों में इचिंग की भी प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल इस तरीके से आप कई बार करती होंगी, तो ये प्रॉब्लम्स कई ज़्यादा हो रही हैं आपके साथ, तो ये एक प्रेगनेंसी का सिम्टम्स होता है। और अगर ये नोज़ ब्लॉकेज, बार बार छींके आना, नाक से पानी निकलना, इस तरीके से आपको पहले कई बार पहले नहीं हुआ है और इधर ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तो ये एक प्रेगनेंसी का, अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम्स माना जा सकता है। नोज़ में ब्लॉकेज, नोज़ में स्टफ़ी, एलर्जी फील होना, छींके आना, ये सारे कुछ बदलाव हैं जो कि प्रेगनेंसी के नए हार्मोन्स बनने के कारण होते हैं। अगर ये आपको हो रहा है तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अब प्रेगनेंसी को किस तरीके से आप कंफर्म करेंगे? पीरियड मिस होने दीजिए, पीरियड मिस होने के 10 दिन के बाद से आप चेक करें, तब ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि रिज़ल्ट एग्जैक्ट आए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए हो। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।